बेरोजगार युवाओं को एयरलाइंस कंपनी में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपियों को भोपाल की साइबर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है इन आरोपियों ने कई राज्यों के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लगभग 1,20,00,000 रुपए की ठगी की है। साइबर पुलिस टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर राजा भोज विमानतल पर इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है। साइबर पुलिस टीम ने 5 आरोपियों के पास से मामलों में उपयुक्त होने वाले मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। SP भोपाल दक्षिण साई कृष्ण थेटे ने बताया कि आरोपी बेरोजगार युवाओं को टारगेट करके उनके साथ ठगी करने का लंबे समय से काम कर रहे थे। आरोपियों द्वारा समय समय पर स्थान परिवर्तन कर कॉल सेंटर का संचालन किया जाता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस के फर्जी लेटर हेड व फर्जी GST नंबर तैयार कर बेरोजगार युवाओं को टारगेट कर उनके साथ ठगी की जाती थी। अंतर्राज्य गैंग के ये सभी आरोपी इससे पहले भी कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अब तक देश के कई राज्यों में लगभग 1,20,00,000 रुपए की धोखाधड़ी बेरोजगार युवाओं के साथ की है। आसपास लोग हमको पता चले हैं, बट संभवतः इससे नंबर इनका ज्यादा होगा। और इसमें जो दो मुख्य आरोपी हैं, उसमें से दो ऑलरेडी पहले अरेस्ट हो चुके हैं। एक पौरी गढ़वाल में इसी तरीके के जॉब फ्रॉड के चक्कर में अरेस्ट हुआ था, और एक जो है वो हैदराबाद में ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।